हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मूवी स्टोरियो में आपका स्वागत है। और आज हम 5 बेस्ट एक्शन थ्रिलर मूवीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनको देखने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा। दोस्तों, इन मूवीज़ के कई पार्ट हैं, तो मैंने इनके IMDb का एवरेज करके एक लिस्ट बनाई है ताकि मूवीज़ को रैंक कर सकें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास है अमेरिकन एक्शन थ्रिलर हैज फॉलन सीरीज। इस मूवी के 3 पार्ट हैं। ओलंपस हैज फॉलन, जो कि 2013 में रिलीज़ हुई थी। दूसरा है लंडन हैज फॉलन, जो कि 2016 में रिलीज़ हुई थी। एंजल हैज फॉलन, जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी। और इसका एक और पार्ट आ सकता है, जिसका नाम होगा नाइट हैज फॉलन, जो कि 2023 में रिलीज़ हो सकती है। इस मूवी की एवरेज IMDb 6.4 निकल कर आती है। एक्शन और सस्पेंस भरी इस मूवी के लीड रोल में है जिरार्ड बटलर, जिनकी एक्टिंग हमको पूरा टाइम पकड़ कर रखती है और हमें कहीं पर भी बोर नहीं होने देती। अब अगर स्टोरी की बात करें तो हमारा हीरो US प्रेसिडेंट का सीक्रेट एजेंट होता है, पर किसी कारण से उसको ड्यूटी छोड़नी पड़ जाती है। पर मूवी तब मोड़ लेती है जब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट समेत पूरे व्हाइट हाउस को हाईजैक कर लेता है और पूरे अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर देता है। उसके बाद क्या होता है, ये तो आप मूवी में ही देख लीजिएगा। 4th नंबर पर हमारे पास है एक्शन और सस्पेंस के कॉम्बिनेशन के साथ में टेकन मूवी। इस मूवी के 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट ही बहुत गजब है। इसका पहला पार्ट 2008 में, दूसरा 2012 में और तीसरा 2014 में रिलीज हुआ था। इन मूवीज में एक्शन और सस्पेंस के साथ में आपको भर भर के हैंड कॉम्बैट और गन फाइट सीन देखने को मिलेंगे, जो पूरी मूवी में आपको कहीं भी बोर नहीं होने देंगे। मूवी की स्टोरी की बात करें तो हीरो एक एक्स सर्विस सीक्रेट एजेंट है, जिसकी बेटी को कुछ ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने किडनैप कर लिया है। अब हीरो बिना किसी इन्फॉर्मेशन के कैसे अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके कैसे गुंडों को फोड़ेगा, ये मजा आपको मूवी में ही मिलेगा। एवरेज IMDb 7 के साथ 3rd नंबर पर स्टैंड करती है किंग्समैन मूवी। ये कॉमिक बेस्ड मूवी है और इसके डायरेक्टर है मैथ्यू वा, जिन्होंने एक्स मैन द फर्स्ट क्लास और एक्समैन द डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट जैसी बेहतरीन मूवी को डायरेक्ट किया है। इस मूवी के टोटल में 3 पार्ट हैं। पहली 2014 में आई किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस, दूसरी 2017 में आई किंग्समैन द गोल्डन सर्कल और तीसरी हाल ही में 2022 में रिलीज हुई है द किंग्समैन। एक्शन से भरपूर इस मूवी के VFX और सिनेमेटोग्राफी आपको बहुत पसंद आएगी। मूवी में एडवांस गैजेट दिखाए गए हैं, जो कि आपके इंटरेस्ट को बनाए रखता है। स्टोरी लाइन की बात करें तो किंग्समैन एक सीक्रेट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि क्राइम्स को रोकने के लिए बनाई गई थी, जिसमें हीरो के पिता एक मिशन के दौरान मारे जाते हैं और करीबन 17 साल बाद हीरो को भी उस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है। और मूवी का विलन यहाँ पे थैनोस बन जाता है, मतलब वो थैनोस की तरह वर्ल्ड वाइड किलिंग प्लान करता है। अब वो प्लान क्या है और विलन ऐसा क्यों कर रहा है, या मूवी में बेहतर समझ पाएंगे। अगर आप एक्शन मूवीज में गोलियों की आवाज़ और बम के धमाकों को सुन सुनकर थक गए हैं, तो एवरेज IMDb 6.9 के साथ 2nd नंबर पर हमारे पास जो मूवी है उसका नाम है 300। दोस्तों, इस मूवी के 2 पार्ट हैं। 300 जो कि 2007 में रिलीज हुई थी और 2014 में रिलीज हुई 300 राइज ऑफ द एम्पायर, और मुझे लगता है कि इसका तीसरा पार्ट भी जरूर से आएगा। ये कहानी एक ऐसे राजा की, जिसने मुट्ठी भर सिपाहियों को लेकर लाखों से जंग लड़ ली थी। तलवार और भालों से लड़ी हुई ये जंग मूवी के हर सीन में आपकी धड़कन बढ़ाने के लिए काफी है। इस मूवी में एक्शन है, प्यार है, धोखा है, ड्रामा है और हर वो चीज़ है कि अगर आपने इसका पहला पार्ट देख लिया तो दूसरा पार्ट देखे बिना रह नहीं पाओगे। नंबर 1 पर हमारे पास एक ऐसी मूवी है जिसमें हीरो हाथ से लड़ता है, चाकू से लड़ता है, गन से लड़ता है और पेंसिल से लड़ता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जॉन विक की। 2014 में शुरू हुआ सफर 2017 में 2nd पार्ट और 2019 में 3rd पार्ट रिलीज हुआ था, और 2023 में इसका 14th पार्ट भी आ सकता है। दोस्तों, इस मूवी के 3rd पार्ट ने फर्स्ट डे में एवेंजर एंड गेम से ज्यादा पैसा कमाकर अपने एक्शन को साबित कर दिया था। हैंड कॉम्बैट और गन फाइट से भरी हुई ये मूवी आपको एक पल भी अपनी स्क्रीन से हटने का मौका नहीं देगी। मूवी की स्टोरी की बात करें तो हीरो एक ट्रेंड असैसिन होता है, पर वाइफ के चलते रिटायरमेंट ले लेता है, पर जब वाइफ मर जाती है तब अकेला पड़ जाता है और वाइफ के गिफ्टेड पपी को कुछ लोग मार देते हैं और भाई की कार भी ले जाते हैं, और अब हीरो गुस्से से भर जाता है और उन बंदों को मारने के लिए निकल जाता है। दोस्तों, इस मूवी में असैसिन की एक अलग ही दुनिया दिखाई है, जैसे उनके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं और उनकी खुद की करेंसी भी होती है, और बहुत कुछ होता है जो आप मूवी देखकर ही समझ पाएंगे। दोस्तों, ये सभी मूवी एक्शन के मामले में मेरी फेवरेट मूवी है और ये सभी एक से बढ़कर एक बेहतरीन मूवी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।